हेलो बच्चों, फाइनली जो है CUET UG का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, एग्ज़ाम का डेट जो है वो कब है, उसके बाद एग्ज़ाम का क्या गाइडलाइंस है, एग्ज़ाम सेंटर पर आपको क्या क्या लेकर के जाना है, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और जो ड्रेस कोड है वो क्या है, सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। एग्ज़ाम और एडमिट कार्ड से रिलेटेड वीडियो को पूरा देखिएगा। और इसमें एक चीज़ और बताएंगे कि डिक्लेरेशन जो फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है। CUET से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमेशा रेगुलर अपडेट्स जो है वो आप सबों को मिलता रहेगा। और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था CUET एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है, जो NTA ने जारी किया है इस एग्ज़ाम के रूटीन को। तो यहाँ पे देख लीजिए, 21 मई 2023 से 2 जून तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, वही 5-6 जून 2023 तक जो है वो एग्ज़ाम चलेगा। 5-6 जून को भी एग्ज़ाम है, उसके बाद 7 और 8 जून विल बी बफर डेज। मिस इस 7 और 8 को भी रखा गया है, जो भी बच्चे बच जाएंगे उनका 7 और 8 जून को जो है वो इन दिनों में एग्ज़ाम करवाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप फ़ोन या लैपटॉप से किसी भी चीज़ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है CUET UG, ठीक है। देन आपको गूगल पे सर्च करना है, उसके बाद CUET सामर्थ का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा। देन उसको ओपन कर लेना है। वीडियो को पूरा देखिएगा, एंट्रेंस एग्जाम में और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट एक्टिविटी का ऑप्शन है, सिर्फ लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे सेक्शन में देख सकते हैं, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है। जिन बच्चों का बाद में एग्ज़ाम है उनका एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आएगा। अगर आपका एडमिट कार्ड अभी शो नहीं कर रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ट्राई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक हेयर डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर जो है वो डालना है, जो आपने फॉर्म फिलअप किया था कन्फर्मेशन पेज जो है उस पर मेंशन होगा। उसके बाद आपको जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको इंटर कर लेना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपको जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है उसको इंटर कर लेना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद सिक्योरिटी पिन इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही एडमिट कार्ड डाउनलोड के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं एडमिट कार्ड जो है हमारा PDF जो है वो डाउनलोड हो चुका है। आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्ट जो है वो PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम सेंटर के रिगार्डिंग जो है दिया गया है, टेस्ट पेपर का जो मीडियम रहेगा वो यहाँ पे मेंशन रहेगा आपका, ठीक है। उसी के नीचे आपका एग्ज़ाम का डेट और शिफ्ट दिया रहेगा कि एग्ज़ाम कब है और कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की टाइमिंग लिखी रहेगी, और एग्ज़ाम का टेस्ट सेंटर कि आपका एग्ज़ाम जो है किस सेंटर पे पड़ा है, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम से आधे घंटे पहले अवेलेबल हो जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आई आपका नाम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, रेसिडेंट ऑफ यहाँ पे अपने जो एड्रेस है उसको मेंशन कर देंगे शॉर्ट में। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट फ़ोटो, आपने जो फ़ोटो अपलोड किया है, यहाँ पे जो फ़ोटो अपलोड किया है वही सेम फ़ोटो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है और सिग्नेचर आपको यहाँ पे नहीं करना है, ये एग्ज़ाम हॉल के अंदर इन्विजिलेटर के सामने जो है आपको यहाँ पर साइन करना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये फर्स्ट पेज हो गया, उसके बाद ये हो गया डिक्लेरेशन, के बाद ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप सिर्फ फर्स्ट पेज भी एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं, ये सेकेंड पेज ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम का क्या क्या गाइडलाइंस है, CUET UG जो भी बच्चे दे रहे हैं तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। एग्ज़ाम का क्या गाइडलाइंस है, एग्ज़ाम में क्या ले जाना है, एग्ज़ाम का ड्रेस कोड क्या है, ये सारी चीज़ों को हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम हॉल में लेकर के जाना है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप पानी पीने के लिए ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको पेन अपना लेकर के जाना है, पेन वहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट
बॉल पॉइंट पेन आपको लेकर के जाना है। एडमिट कार्ड के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर के जाना है A4 साइज में, जो मैंने ऊपर बताया था जिस पे साइन करना है वो वाला। एडिशनल फोटोग्राफ भी आपको लेके जाना है अटेंडेंस शीट के लिए, जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होगा वो भी आपको एक दो रख लेना है। ओरिजिनल ID प्रूफ रहना चाहिए, अगर आप ID प्रूफ नहीं है आपके पास तो 10th 12th का मार्कशीट जो है वो ले जा सकते हैं। आपको एग्ज़ाम सेंटर पर मार्क्स भी अपना ले करके जाना है, मास्क, ठीक है, मास्क ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे ड्रेस कोड की अगर हम बात करते हैं, जो बच्चे PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो बच्चे अपना PWD कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसको ज़रूर लेकर के जाएं, ठीक है। वहीं अगर हम ड्रेस कोड की बात करते हैं तो आपको शू और जो स्लीपर आपका होगा उसका जो सोल होगा वो ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। गारमेंट्स विथ लार्ज बटन, आपका गारमेंट्स जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। लार्ज बटन वाला शर्ट वगैरह जो है वो आपको पहन के नहीं जाना है। ब्लैंक पेपर सीट जो है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स को नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम से पहले आपको, एग्ज़ाम के स्टार्ट होने के बाद, एग्ज़ाम का जो एंट्री टाइम है गेट क्लोज होने के बाद आपको एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर का डिटेल वगैरह जो है वहाँ ऊपर पे मेंशन है, देख सकते हैं। गेट जो क्लोज हो जाएगा 3:15 में, हर बच्चों का अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से है, तो 3:15 के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। 2:15 से रिपोर्टिंग होगा, ठीक है। 3:30 से एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम से 15 मिनट पहले के बाद जो है वो आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दिया जाएगा। जो भी बच्चे काउंसलिंग कराना चाहते हैं या एडमिशन की जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, वहां पर सारा अपडेट जो है वो मैं करता हूं। जो भी बच्चे पर्सनली हमारे एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, ठीक है, या एडमिशन का इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही व्हाट्सएप का लिंक है, ठीक है, गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए। हमारे एक्सपर्ट की टीम जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, क्योंकि मैंने भी BHU से अपना बैचलर डिग्री जो है वो कंप्लीट किया है, तो मुझे सारी चीज़ें पता है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कैसे एडमिशन होता है, कितना क्या कट ऑफ जाता है, ठीक है। क्योंकि CUET UG में जितने भी UG के कोर्सेस हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सारे कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।